हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेस्टी कुकिंग विद सुचिता में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे मेरे चैनल के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि बिल्कुल मार्केट स्टाइल पनीर बटर मसाला हम लोग घर में ईजिली कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, इसकी रेसिपी बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी ये बनके तैयार हो जाता है। चलिए शुरू करें। उसके लिए हम मुझे चाहिए 2 प्याज और यहाँ पे मैं 5 टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा और कुछ लहसुन की कलियाँ। सबसे पहले हम लोग एक कढ़ाई में लगभग 3 टेबल स्पून तेल को गर्म करेंगे। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़े डालेंगे और इसके साथ ही हम लोग इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा अदरक और लहसुन। जो मैंने आपको दिखाया था उसी को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। जब अदरक और लहसुन थोड़ा सा भुन जाएगा तब हम लोग प्याज को रफली चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स करके हमको यहाँ पर प्याज को हल्का सुनहला होने तक भूनना है। देखिए, प्याज हमारा भून गया है। अब जो टमाटर है उसको भी हम लोग यहाँ पे काट के इसमें डाल देते हैं। अब टमाटर को भी हम लोग इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से जब टमाटर मिक्स हो जाएगा तब हम यहाँ पे थोड़ा सा मसाले ऐड करेंगे। हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे, यहाँ थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे ताकि टमाटर हमारा जल्दी पक जाए। और बस ऐड करेंगे थोड़ा सा काजू ताकि ग्रेवी हमारी थोड़ी सी थिक बने और थोड़ी सी लाल मिर्च। इन सबको डाल के हमको इसको बस अच्छे से मिला के हमको टमाटर के गलने तक इसको पकाना है। तो उसके लिए मैं इसको एक ढक्कन से ढक देती हूँ ताकि टमाटर हमारा जल्दी पक जाए। बस इसको आप बीच बीच में चलाते रहिएगा और देखिएगा टमाटर हमारा गल गया है। और जब टमाटर अच्छे से गल जाएगा तब हम उसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून चीनी। चीनी हम यहाँ क्यों डाल रहे हैं? ताकि हमारा जो टमाटर है उसका कलर हमारा बरकरार रहे। अब बस इस ग्रेवी को 1 मिनट और पका के हम लोग इसको ठंडा करके मिक्सी में इस तरह से महीन पीस लेंगे। अब एक छन्नी की हेल्प से हम लोग इसको छान लेंगे ताकि जो इतने भी हमारे इसमें रेशे वगैरह हैं वो सब निकल जाए, क्योंकि आप देखेंगे जब टमाटर हमारा पीसते हैं तो उसमें कुछ रेशे बचे रहते हैं। इस तरह से हमारी ग्रेवी हम लोग छान लेंगे। देखिए कितनी क्रीमी सी लग रही है ना ये ग्रेवी। अब हम लोग बनाते हैं पनीर बटर मसाला। उसके लिए एक कढ़ाई में मैंने करीब 15 ग्राम बटर का इस्तेमाल करें। जब बटर हमारा पिघल जाएगा तब हम उसमें डालेंगे थोड़ी सी लगभग 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। इससे हमारा ग्रेवी का कलर बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। अब बस इसमें हम लोग ऐड करेंगे जो हमने ग्रेवी छान के रखी है उसको अब हम लोग यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम लोग धीरे धीरे ऐड करेंगे और इसको बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हम लोग कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी। देखिए ग्रेवी का कलर कितना अच्छा आया है। अब बस इसको ढक के हम लोग को कम से कम 15 से 20 मिनट इसको पकने में लगेंगे। अब यहाँ पे ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून जावित्री पाउडर और करीब 2 टेबल स्पून अमूल क्रीम। बस इसको हम लोग डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि हमारी ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक नहीं हो। इस तरह से आपको पानी डाल के इसको थोड़ा सा मिला के इसको हम लोग थोड़ा सा ढक के पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब इसको हम लोग बीच बीच में थोड़ा सा चलाएंगे और देखेंगे कि हमारी ग्रेवी बनके तैयार हो गई है। जब हमारी ग्रेवी पूरी तरह से पक जाएगी तब हम उसमें डालेंगे 1 टीस्पून कस्तूरी मेथी पाउडर। कस्तूरी मेथी से किसी भी पनीर की डिश हो उसमें उस कस्तूरी मेथी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग कस्तूरी मेथी डाल रहे हैं। कस्तूरी मेथी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पनीर के, यहाँ पे लगभग हमें 200 ग्राम पनीर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको भी हम लोग ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम लोग ढक के करीब 1 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए पनीर बटर मसाला बनके तैयार है। अगर आपको लगे गाढ़ा हो रहा है तो थोड़ा सा पानी आप और ऐड करिए और इसको खाइए। बस गर्मा गर्म रोटी के साथ, नान के साथ या तंदूरी रोटी के साथ। तो लग रहा है ना ये बिल्कुल मार्केट वाला पनीर बटर मसाला।
इसको आप बस घर में बहुत ही इजीली बना सकते हैं। बस इसकी ग्रेवी आप पहले से तैयार कर लीजिए और बस उस दिन आप पनीर डाल के अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ आप फटाफट इसको खाइए और खिलाइए। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरे पनीर बटर मसाला की रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिएगा।